साल 2023 चुनावी साल है, यही कारण है कि चुनावी साल में बयानों की रसाकसी जारी है। नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार करते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच खुद को जिंदा रखना भी जरूरी है। ऐसा ही एक बयान मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का आया है। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के स्टेटमेंट की देश में मुस्लिम सुरक्षित है पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि सरकार के पीछे यह खड़े हैं, सर्वोसर्वा भी हैं, तो इनसे पूछना चाहिए कि मुसलमानों को डरा कौन रहा है, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर आयुष्मान योजना में घोटाले का आरोप भी लगाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बोलने की बीमारी से ग्रसित बताया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामले की CBI जांच कराएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज किए जाने की सुविधा दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में बिना डॉक्टर और पलंग के एक कमरे के बने अस्पताल को मान्यता दे दी गई और 1 से 5 करोड़ रुपए तक जारी किया गया। पूर्व में एक महिला अधिकारी के रिश्तेदार का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में यह सवाल उठाया था, लेकिन अब तक ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई कार्यवाही हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक क्लर्क 250 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि दलाली हुई है। ऐसे में उनकी मांग है कि मामले की CBI जांच कराई जाए। मुरैना के सुमावाली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह और भाजपा सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात को इसलिए तूल दिया जा रहा है कि जमीन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक अजब सिंह खुशवाहा मुसीबत में है। उनको ग्वालियर की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। फिलहाल अजब सिंह खुशवाहा को जबलपुर हाईकोर्ट ने राहत दी है। यही कारण है कि इस मुलाकात को तूल दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू की है, जिसमें 5 लाख तक का चिकित्सा की राशि देने का प्रावधान है, निःशुल्क चिकित्सा करा सकें गरीब परिवार के लोग। मध्य प्रदेश में चौतरफा लूट मची हुई है। शिवराज सिंह की सरकार में बैठे हुए अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए शासन में लोग और पार्टी के विधायक संतरी मंत्री सब शामिल हैं इसमें घोटाले में। नरोत्तम मिश्रा को बोलने की बीमारी हो गई है। जिस मुद्दे पर नहीं भी हो उस मुद्दे पर बोलना ये उनकी आदत बन गई है।